इस मूवी में जादू टोने और जिन की स्टोरी दिखाई गई है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक आदमी बहुत ज़्यादा परेशान और डरा हुआ होता है। वो बस चलता ही जाता है, तभी उसे चक्कर आ जाता है, वो गिर जाता है। फिर वहाँ पर एक तांत्रिक आता है, वो उस आदमी के अंदर से शैतान को बाहर निकाल रहा होता है। कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसमें एक खुशहाल हस्बैंड वाइफ दिखाते हैं। उसकी वाइफ का नाम कुबरा होता है। उसमें भी कोई शैतानी आत्मा आ जाती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी उसका हस्बैंड आकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर से पूछता है कोबरा को क्या हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं, बस इसे कोई मिर्गी का दौरा पड़ा है, ये जल्द ठीक हो जाएगी। वो लोग फिर घर आ जाते हैं। कोबरा को डर के कारण नींद नहीं आ रही होती है। उसका हस्बैंड उसे लोड़ी खा के सुला रहा होता है। तभी उसे सपने में होरर चीजें दिखाई देती है, जिसमें वो कहीं सुनसान जगह पर जा रही होती है और डरावनी गुड़िया और किसी बच्चे के रोने की आवाज, ऐसी चीजें उसको दिखाई देती है। तभी वो अपने हस्बैंड को बताती है ये सब। उसका हस्बैंड कहता है ये सब एक सपना है, बस तुम बेकार में डर रही हो। वो रात को डरते डरते सो जाती है। अगली सुबह दिखाते हैं कि वो लोग दादी माँ के घर जाने की बात कर रहे होते हैं। वो बातों बातों में अपने हस्बैंड के सलाद में नमक डाल देती है। उसका हस्बैंड कहता है तुम्हें कब समझ में आएगा, मुझे सलाद में नमक पसंद नहीं है। वो रेडी होने जाती है और उसका हस्बैंड नमाज पढ़ रहा होता है। तभी उसे फिर से दौड़ा पड़ता है। उसे डरावनी चीजें दिखाई पड़ती है, वो चक्कर खा के गिर जाती है। उसका हस्बैंड उसे फिर से डॉक्टर के पास लेके जाता है। वो बताता है कि कुबरा कुरान की बातें कर रही थी और उसकी आंखें भी गायब हो गई थी, ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई जिन आ गया हो। डॉक्टर कहता है तुम एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए आदमी हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। डॉक्टर कहता है तुम्हारी बीवी को एक टेंशन फ्री लाइफ दो, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। और उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और कुछ नहीं है। वो अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। वो लोग अपनी दादी के घर जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि दादी घर के बाहर गिर जाती है। वो कहती है कि इसे यहाँ से दूर लेके जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यह कहकर वो मर जाती है। तभी वहाँ एक माही नाम के आदमी की एंट्री होती है। वो बताता है कि दादी को सारे काम खुद करने की आदत थी, जिस कारण उन पर गरम गरम पानी गिर गया था और वो मर गई। तभी ऊपर से एक यसीन नाम के आदमी माहिर को आवाज मारकर अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम वो जिन कुबरा के अंदर से निकाल दो, नहीं तो वो और भी ज्यादा उसे बीमार और कमजोर कर देगा। तुम्हें वो जिन कुबरा के अंदर नहीं डालना चाहिए था। माहिर कहता है तुम इस सब में मत पड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे अंदर भी जिन डाल दूंगा। उसी रात कोबरा को डरावने सपने फिर से आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अगले दिन माहिर फिर से उसे वो जिन कोबरा के शरीर में भेज देता है और उसे फिर से दौरा पड़ जाता है। वो वहाँ जाकर उसके हस्बैंड अहमद को बताता है कि ये कोई मिर्गी का दौरा नहीं, इसमें जिन आ गया है। वो अपनी तांत्रिक शक्तियों से फिर उसे खुद ही बाहर निकाल देता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और उसके अंदर से वो जिन निकालने की एक्टिंग करता है और उसके हस्बैंड से कहता है कि ये जिन बहुत खतरनाक है, ये ऐसे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हम इसे बाहर निकाल के ही रहेंगे। वो कहता है कि तुम एक काम करो, यहाँ एक अलमारी है, उसके अंदर एक ताबीज है, एक काम करो उसे जला दो, फिर तुम्हारी वाइफ ठीक हो जाएगी। वो उस ताबीज को जलाने जाता है। तभी वहाँ कोबरा आ जाती है। वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि मुझे माही ने ताबीज जलाने को कहा है, वो तुम्हारे दादाजी के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। फिर कोबरा कहती है कि माही के खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुनेगी। उसका हस्बैंड शॉक्ड हो जाता है, ये तो उस तांत्रिक के तंत्र मंत्र करने के बाद और भी ज़्यादा बीमार हो गई है। अगले दिन वो तांत्रिक आकर पूछता है कि क्या तुमने वो ताबीज जला दिया। कहता है कि नहीं, अभी नहीं। वो तांत्रिक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या तंत्र मंत्र किया कि वो और भी ज्यादा बीमार हो गई। वो तांत्रिक कहता है कि पहले वो तुम ताबीज जलाओ, फिर कोई सवाल करना मेरे से। वो ऐसा कहकर चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि अहमद उस तांत्रिक के तंत्र मंत्र की रिकॉर्डिंग कर अपने सर को भेजता है। तभी उसे पता चलता है कि उस तांत्रिक ने उसकी वाइफ के अंदर एक लिव जिन डाल दिया है, अब वो उसकी वाइफ नहीं रही। उसका सर कहता है कि तुम एक काम करो, अपनी वाइफ को बांध दो, मैं अभी आता हूँ। वो अपनी वाइफ को कुर्सी से बांध देता है। तभी उसकी वाइफ को होश आता है। वो कहती है कि मुझे क्यों बांधा है, खोलो मुझे, पर वो उसकी रस्सी नहीं खोलता। फिर उसकी वाइफ कहती है कि प्लीज़ मुझे इस रस्सी से आज़ाद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो रस्सी को ढीला कर देता है, वो भाग जाती है। अहमद उसके पीछे भागता है। वो उसे कर वापस घर ले आता है। उसका सर मुस्तफ़ा उसको ठीक कर रहा होता है।
तभी वहाँ उस तांत्रिक का चमचा वहाँ आकर कुछ जादू टोना कर रहा होता है। फिर अहमद उसके पीछे भागता है, उसे खूब पीटता है और उससे पूछता है कि पता तुमने यह क्यों किया है। तभी वो बताता है कि वो जुन कोबरा के प्यार में पड़ गया था। यह बात उसकी दादी को पता चल गई थी। उसकी दादी ने कोबरा पर जानू टोना कर एक ताबीज बनवा दिया था ताकि वो जिन उसके पास ना आ पाए। इसी बात से गुस्से होकर उसकी दादी को उसने मार दिया था और वो ताबीज जलाकर कोबरा को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहता है और ये सारी बातें जाकर सर मुफ्ता को बताता है। मुफ्तवा कहता है कि अब तुम वहाँ रूम में नहीं जाओगे और उस ताबीज को भी नहीं जलाओगे, तो फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ वो तांत्रिक गन लेकर आ जाता है। वो कोबरा से कहता है कि तुम वो ताबीज जलाओ नहीं तो मैं अहमद को मार दूंगा। कोबरा को वो ताबीज जला देती है। वो तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है और कहानी कुछ महीनों बाद दिखाते हैं कि जिसमें अहमद अपने सलाद में नमक डाल रहा होता है। पर कोबरा कहती है कि तुम्हें तो सलाद में नमक पसंद नहीं है और उसे पता चलता है कि वो जिन वहाँ से भागा नहीं था, वो तो अहमद के शरीर में चला जाता है। अगर आप ऐसी ही हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।